नमस्कार दोस्तों, अमेरिका से इस बार बहुत बड़ी और बहुत भयानक खबर आ रही है। इस खबर से पाकिस्तान और भारत में हड़कंप मच गई है। बड़ी बात तो यह दोस्तों, अमेरिका के जो खुफिया जानकारी है, खासतौर पे खुफिया एजेंसी है, उन्होंने बहुत बड़ा रिपोर्ट छाप के पूरे दुनिया को चौंका दिया है। उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द भारत पाकिस्तान में महायुद्ध शुरू होगा। इस युद्ध में बहुत भयंकर नुकसान होगा, दुनिया परेशान हो जाएगा और इस युद्ध को रोकना असंभव हो जाएगा। दोस्तों, अमेरिका ने बहुत कुछ कहा है और बड़ी बात तो यह है, अमेरिका का जो खुफिया एजेंसी है ना दोस्तों, उन्होंने कई बार बहुत सारे रिपोर्ट छापा है और जो जो रिपोर्ट छापा है सब वो सत्य हुआ है। दोस्तों, आज जो पेंडेमिक है ना, आज जो महामारी है कोरोना वायरस, ये भी दोस्तों अमेरिका के ये जो थिंक टैंक है, ये जो खासतौर पर खुफिया एजेंसी है, आज से 4-5 साल पहले छाप दिया था। 2016 में जब बराक ओबामा वहाँ पर सरकार था, राष्ट्रपति था, उस समय अमेरिका के जो थिंक टैंक है यानी कि ग्लोबल ट्रेंड, उन्होंने छापा था कि बहुत जल्द एक भयंकर महामारी आएगा जिसमें दुनिया तबाह होने का और बहुत जल्द दुनिया पर असर पड़ेगा, दुनिया का अर्थव्यवस्था बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। दोस्तों, बिल्कुल सत्य हुआ, यानी कि कह सकते हैं कि अमेरिका का ये थिंक टैंक जो बोलता है ये सत्य होता है। और अब की बार भारत और पाकिस्तान पर बड़ा रिपोर्ट छापा है और बहुत कुछ कहा। आप लोग पूरा खबर देख के समझिए आखिरकार हुआ क्या है और आप लोग बोलेंगे भाई क्या सच में ऐसा होने वाला है, क्या हम लोग तीसरा विश्व देखने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। और बड़ी बात तो यह है, पाकिस्तान के टीवी चैनल में पाकिस्तान का थिंक टैंक, पाकिस्तानी सरकार सब रोना शुरू कर दिया, बोल दिया भगवान हमें बचा ले, अब क्या होगा, वैसे भी हमारा अर्थव्यवस्था खत्म था, अब तो भारत हम पे हमला करने वाला है, हमें कौन बचाएगा, हम तो लूट जाएंगे, बर्बाद जाएंगे। दोस्तों, ये बात पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल में चल रहा है और न्यूज में छापा जा रहा है। और बड़ी बात तो यह है, सब बढ़ा चढ़ा बोल रहा है कि भारत हम पे अटैक करने वाला है। मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा, आप लोग पूरा खबर देखिए। आप लोग जानते हैं दोस्तों, दुनिया में आज चाहे कहीं भी गृह युद्ध हो या फिर कुछ भी हो, कोई समस्या हो, हर जगह अमेरिका का हाथ रहा है, चाहे ओपनली हो या फिर अंदरूनी हो, अमेरिका ने हर जगह हस्तक्षेप किया है और हर जगह केवल तबाही लाया है। और यही कारण है, चाहे इराक देख लीजिए, सीरिया देख लीजिए, अफगानिस्तान देख लीजिए या फिर कहीं देख लीजिए, हर जगह आज अशांति है। आप बोलेंगे आखिरकार अमेरिका के बात पर हम भरोसा क्यों करें। दोस्तों, अमेरिका का एक थिंक टैंक कह सकते हैं, वो अमेरिका सरकार के अंतर्गत आता है, ठीक है, ये कोई प्राइवेट एजेंसी नहीं है, ये सरकारी एजेंसी है, ठीक है, सरकार के अंतर्गत आता है, जिसका नाम है ग्लोबल ट्रेंड रिपोर्ट। ग्लोबल ट्रेंड रिपोर्ट हर 4 साल पे एक रिपोर्ट छापता है, एक जानकारी देता है, पूरी दुनिया के बारे में बताता है। बड़ी बात तो यह है कि भविष्य में 2040 तक क्या क्या होगा, सब कुछ ग्लोबल ट्रेंड ने अभी ही लिख दिया है, बता दिया है कहाँ क्या होने वाला है, कहाँ पे क्या होगा। दोस्तों, ये अभी तक लिख चुका है, ठीक है। आप बोलेंगे तो क्या ग्लोबल ट्रेंड जो बोलता है, लिखता है, क्या वो सच होता है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सच होता है। 2016-17 में उन्होंने बोला था कि एक भयंकर महामारी आएगा, दुनिया का अर्थव्यवस्था चौपट होने वाला होगा। दोस्तों, बिल्कुल सत्य हुआ है। 2019 में क्या हुआ है? बिल्कुल आया है, कह सकते हैं कि उन्होंने जो कहा है लगभग सत्य हुआ है। और अब की बार उन्होंने भारत पर भविष्यवाणी किया है और उन्होंने 3 मुद्दा उठाऊंगा, कहना है कि ये 3 कारण है, ये 3 मुद्दा है जिसके कारण से केवल 4 से लेकर 5 साल के भीतर यानी कि 2025 के अंदर ही भारत पाकिस्तान में एक भयंकर बहुत बड़ा युद्ध शुरू होगा जिसमें बहुत लोगों का नुकसान होगा। दोस्तों, उनका कहना है कि अगर ये 3 कारण को नहीं रोका गया तो युद्ध होना आवश्यक है, 100% युद्ध होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता है। उनका पहला ये मानना है कि जिस प्रकार भारत सरकार ने पाकिस्तानियों को पिछले 5 साल में ठोकना शुरू कर दिया, खासतौर पे जब उरी अटैक हुआ, भारत ने उसके अंदर जाकर घुस के मारा, जब पुलवामा अटैक हुआ, भारतीय आर्मी ने पाकिस्तान में घुस के मारा, यानी कि भारत सरकार ने एक ट्रेंड शुरू कर दिया है, भारतीय आर्मी ने ट्रेंड शुरू कर दिया है, अगर पाकिस्तान हम पे गोली मारेगा तो हम उस पर गोला मारेंगे। सिंपल सी बात है, पाकिस्तान अगर हम पे हमला करेगा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। और इसीलिए 2025 से पहले पाकिस्तान के अंदर से कोई ना कोई बड़ा धमाका होगा, पाकिस्तानी जो आतंकवादी है भारत में घुस के कहीं ना कहीं बड़ा हमला करेगा, बहुत भयंकर हमला करेगा जिसमें कई सारे लोगों का जान जा सकता है और किसी सिटी को उड़ा सकता है, बहुत भयंकर हादसा करेगा। और भारत सरकार के पास मजबूरी हो जाएगा क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी एक ट्रेंड बना दिया है, एक लेवल बना दिया है, उस लेवल के अनुसार पाकिस्तान को मारना है। और जिस दिन भारत में खासतौर पर आतंकवादी हमला होगा उसके तुरंत बाद भारत पाकिस्तान में जंग शुरू होना तय है। दोस्तों, ये बात अमेरिकी थिंक टैंक और खुफिया एजेंसी बोल रहा है कि इसे रोकना संभव हो जाएगा क्योंकि बहुत जल्द पाकिस्तान से आतंकवादी भारत आने वाला है। दोस्तों, ये बात अमेरिका बोल रहा है, उन्हें कहना है कि 5 साल के भीतर में एक भयंकर हमला होने वाला है, भारत सरकार अभी से सचेत हो जाए और इसी के रिस्पॉन्स पे बड़ा युद्ध होगा। उनका कहना है कि ना चाहते हुए भारत उस पर हमला करेगा और पाकिस्तानी से बदलने की कोशिश करेगा और बदले में पाकिस्तान भी अपना हमला शुरू करेगा और फिर क्या होगा, ये युद्ध का रूप ले लेगा और आने वाले समय में कई दिनों तक, कई महीनों तक चलेगा जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। दोस्तों, उन्होंने
दूसरा पॉइंट ये बोला बोला कि अगर बाइडेन इससे बच भी गया, पाकिस्तान की ओर से हमला नहीं हुआ, आतंकवादी हमला नहीं हुआ, फिर भी एक समस्या और है। हाल ही में अफगानिस्तान शांति वार्ता होने वाला है। बाइडेन अगर यहाँ पे अफगानिस्तान शांति वार्ता के बाद अगर तालिबान का राज अफगानिस्तान पे हो गया और ऑलरेडी तालिबान और पाकिस्तान का मित्रता अच्छा है, उस केस में अगर आतंकवादी फैलता है, तालिबान के थ्रू भारत आता है, उस केस में भारत के पास मजबूरी हो जाएगा किसी प्रकार से पाकिस्तान को सबक सिखाना, और अंत में भारत सरकार मजबूरी में पाकिस्तान पे अटैक करके पाकिस्तानी आर्मी को धो देगा, पाकिस्तान में आतंकवादियों को मारेगा। भारत का यहाँ पे दूसरा मजबूरी ये होगा। दोस्तों उन्होंने तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात बोली है। दोस्तों इस पे सबको डर ऑलरेडी पहले से था, अमेरिका का रिपोर्ट आने से पहले से ही डर था। दरअसल उनका कहना है कि बहुत जल्द पाकिस्तान में लोग प्यासे मरेंगे, यानी कि लोग मिसाइल से नहीं मरेंगे, लोग रॉकेट से नहीं मरेंगे, पुराने बम से नहीं बनेंगे, लेकिन प्यासे मरेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में पानी बिल्कुल ही कम हो चुका है, ज़मीन सूख चुका है और भारत सरकार ऑलरेडी डैम बना रहा है, कई जगह बिजली उत्पन्न कर रहा है, इसीलिए केवल 4 साल से 5 साल के भीतर में पाकिस्तान में भयंकर अफरा तफरी मचने वाला है, लाखों लोग प्यासे, कहानी खत्म होने वाला है, और अंत में पाकिस्तान सरकार भारत से पानी के लिए युद्ध शुरू कर देगा, पाकिस्तानी आर्मी भारत पे हमला कर देगा और जबरदस्त भयंकर युद्ध शुरू हो जाएगा। दोस्तों उन्होंने मुख्यतः 3 बात कहा है और वो भी बोला है कि ये 2025 से पहले होने वाला है। अब दोस्तों आप लोग के मन में एक सवाल उठता होगा कि चलो हम मान लेते हैं युद्ध होगा, तो क्या यहाँ पे परमाणु युद्ध होगा कि नहीं होगा? देखिए परमाणु पे वो छाप रहा है कि भाई दुबे अगर युद्ध हो भी जाए तो भारत और पाकिस्तान सरकार इतना मूर्ख नहीं है, इतना बेवकूफ़ नहीं है जो परमाणु युद्ध कर देगा। दोस्तों ये बात अमेरिका का खुफिया एजेंसी बोला है कि उनका कहना है कि किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में 2025 तक कोई परमाणु युद्ध नहीं होगा। हाँ ये अलग बात है कि दोनों ओर से ना आपस में खूब युद्ध करें, हो सकता है कई दिनों तक, कई महीनों तक युद्ध हो सकता है, बॉर्डर खुला हो जाए, पाकिस्तानी या फिर इंडियन पाकिस्तान हो जाए, अंदर तक चला जाए और भयंकर तबाही करे, जो भी करना करे, मिसाइल दागे सब करे, लेकिन परमाणु कोई भी नहीं छोड़ेगा क्योंकि दोनों को पता है दोनों को नुकसान होगा। दोस्तों ये बात कौन बोला है? ये बात अमेरिका के खुफिया एजेंसी बोला है। अब आप बोलेंगे चलो हम मान लेते हैं अमेरिका बात सही है तो यहाँ पर जीतेगा कौन? दोस्तों अमेरिका का साफ कहना है कि ये युद्ध होगा भयानक, लेकिन उसका अंत भारत करे, क्योंकि वैसे भी भारत पाकिस्तान से हर मामले में आगे है, भारत के पास आज हर प्रकार का टेक्नोलॉजी है। जब तक कि चाइना इस युद्ध में न कूदे तब तक भारत अकेला पाकिस्तान को टैकल कर देगा और बहुत जल्द पाकिस्तान को हरा के पाकिस्तान को नाम निशान मिटाने का तैयार कर देगा, और हो सकता है भारत इसी के बहाने पीओके में अपना सेना भेज दे, हो सकता है पीओके को आज़ाद कर दे, यानी कि भारत के पास अच्छा मौका है, भारत चाहे तो एक ही तीर से दोनों सेना मारेगा और आने वाले 2025 के भीतर में सब कुछ होगा, यानी कि बड़े बड़े कांड होगा, साउथ एशिया में अफरा तफरी मचेगा, साउथ एशिया में अशांति का माहौल बनेगा और इसे रोकना असंभव हो जाएगा। यहाँ पे रसिया और अमेरिका केवल मुख्य दर्शक होगा, क्योंकि भारत न किसी का बात सुनेगा, क्योंकि भारत उस समय गुस्से में होगा, जब भारत में आतंकवादी हमला होगा भारत सरकार गुस्से से लाल हो जाएगा, भारत सरकार खासतौर पर प्रतिशोध की भावना में जल उठेगा, जिस प्रकार पाकिस्तान आतंकवादी हमला करेगा उस समय भारत के लोग भारत सरकार पे दबाव बनाएगा कि आप एक्शन लीजिए, और उस समय भारत किसी की बात नहीं सुनेगा, केवल आतंकवादियों को मारने के लिए, पाकिस्तान को सिखाने के लिए उस पर अटैक करके पाकिस्तान को का दिखाना शुरू कर देगा। बाई दुबे यहाँ पे धोखा हो सकता है, हो सकता है जैसे भारत वहाँ पे सेना भेजे तो पाकिस्तान मिसकैलकुलेशन कर दे और धोखा से पाकिस्तान उस पर अटैक कर दे, यानी कि कुछ भी हो सकता है दोस्तों, ऐसा इस रिपोर्ट में छापा गया है।